कमेंट है, दिल खाली भेज रहा है सब, क्या हो गया? अब हकीकत में दिल देना होगा तब देखो ना, फाड़ के छोरा से फाड़ के और निकाल के रख ना हो, मान 10 को 20 को भेजता है, फोटो भेजता है ना, मेरे दोस्त परवाह ना कर सारे जमाना खिलाफ हो जाए, चलो उसी रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। अच्छा तूफान यादव है जी, अच्छा तूफान जी बंगिया सब सब, हाँ शायक हो गया सब, सोशल मीडिया वाला शायक है सब, इन्हें को उठा के कॉपी उठाता है ना पेस्ट कर देता है सब, हाँ सोशल मीडिया वाला ही सब है सब। अब ना नौकरी लगेगा तो भीख मांगा दिल हो जाएगा, टूटले दिल ना होगा रोड पर पता चलेगा, हम उधर से स्टेशन के तरफ से आएंगे तो पता चले मृत्युंजय लेके बैठा हुआ कटोगी, हेलो कुछ दे दीजिए। अगर तुम्हारे साथ ये सब बच्चन के साथ ही घटेगा, अगर नो ना पढ़िएगा तो विकल्प ज्यादा कुछ है नहीं हम लोग के पास, मिडिल गरीब के पास गवर्नमेंट ही जो विकल्प विकल्प है, कौनो ऑफिसर बनिए, बनना तो पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करना, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसका जवाब दे सकते हैं नहीं बनेगा, सोल्यूशन इसका देखेंगे कि क्या है, उसके बाद उसको याद टाइप का कर लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर खाली बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का नहीं, सब एग्जाम का एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं और सब सेट करवा देंगे, डेली 30 क्वेश्चन रहेगा है ना। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों के सीमा पर स्थित है वह है, आराम से पढ़िए जवाब दीजिए, क्या जवाब बन रहा आपका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका जवाब बन रहा, ठीक है कोई है, सब कोई क्लियर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्लियर है, अच्छा अभी आपका आंसर पता चलेगा, अब पढ़िए कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, बोलिए कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु और, क्योंकि बिल्कुल गलत जवाब आपका है, क्योंकि क्योंकि देखिए क्योंकि आप चल गए तमिलनाडु, चल गए दक्षिण के साइड, आंध्र प्रदेश चल गए पूर्व के साइड, ऐसे ही आप गड़बड़ कर गए आप है ना, बिल्कुल गलत है आपका, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु और केरल बिल्कुल सही जवाब है आपका, हाँ तो तमिलनाडु और केरल, तो ऑप्शन में तमिलनाडु और केरल है, तो तुमको यहाँ पर कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसको काट सकते हो तुम, आंध्र प्रदेश हो जाएगा किधर, पूरब साइड में, तमिलनाडु इधर दक्षिण में हो जाएगा, तो इधर से लेकर वहां तक थोड़े फैला हुआ पूरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बताइए, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बिल्कुल नीलगिरी गलत है आपका, नीलगिरी, कार्डमम, कार्डमम भारत की दक्षिणतम, कार्डमम अंतिम में है ना, कार्डमम जो है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे, तमिलनाडु और वो केरल में है, ऊपर में है वो, नीलगिरी ऊपर में है और तमिलनाडु नीचे में है, तो कार्डमम में अंतिम पहाड़ी बनेगा, समझ गए, इसका सोल्यूशन भी है देख सकते हैं, कुछ इसमें चाहिए तो आप नोट कर, इलायची पहाड़ी इसको कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, कार्डमम को ही इलायची कहा जाता है, हम नोट्स में दिए थे है ना, याद है ना, हाँ इलायची पहाड़ी, इसीलिए इसमें इलायची उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए ये इलायची पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, कार्डमम पहाड़ी इसी को कहा जाता है, ठीक है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है जल्दी से बता दीजिए आप, किसी का भी गेस किया हुआ क्वेश्चन सही नहीं हुआ, आंसर बनेगा तमिलनाडु, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर बनेगा तमिलनाडु, कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, याद रहेगा, बोलिए सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिल लाडू है ना, दक्षिण का अंतिम पहाड़ी कार्डमम, कौन है, कार्डमम, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, ये लिखा गया है सारा पॉइंट को, नेक्स्ट
महादेव पहाड़ी किसका भाग है, कौन सा पर्वत श्रेणी का? जल्दी से, पश्चिमी घाट। बिल्कुल गलत है, सतपुड़ा सही है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? याद रहेगा, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है, याद रहेगा ना। चलिए बढ़िया, ये इसका सोलूशन है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा। तो धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है ऊंची में? सतपुड़ा की है। अरावली की ऊंची चोटी, अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, ठीक है। उसी तरह से सतपुड़ा के धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, तो सतपुड़ा आंसर बनेगा, सही है। इसका सोल्यूशन है, देख सकते हैं आप, ये पंचमढ़ी में स्थित है। इसको एक याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है ये। चलिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जाता है कि विद्यार्थी इसमें गलती कर देता है, भारत समझ जाता है उसको। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल। बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.83 मीटर है इसमें। 86, 83, 84 चलते रहता है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। सही है, बढ़िया। ये इसका पॉइंट लिखा गया है कि 8848 मीटर है। फीट की बात किया जाए तो 29,028 फीट। ये नेपाल में स्थित है। 2020 में चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई बताया था, 88.86 घोषित किया था इसका। समझ में आया? एक और पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा कोई चोटी है, वह है माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट के बाद भारत में आता है K2। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन आएगा? K2। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद मैकाल, है ना। इस तरह से इसका श्री चलता है। समझ में आया? तो माउंट एवरेस्ट हो गया पूरे विश्व में, भारत में पूछेगा तो K2, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। अगर K2 नहीं है तो कंचनजंगा, कंचनजंगा नहीं है तो नंदा देवी, नंदा देवी नहीं है तो मकालू। समझ गए? चलिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बिछेंद्री पाल। बिल्कुल सही जवाब है। संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी, कितना बार? 2 बार। पीटी ईसाई धावक है ना। और डिकी टोलमा, बोला तो क्या कहीं? बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है, बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर चढ़ा था। 1900 कब? 84। 1900 बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट कब चढ़ी थी? 1984। कब? 1984। बंगजाम, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बताइए। हाँ, जापान की जुको तोबई। ये जापान की है। स्टैटिक जीके हो जाएगा ये। अब पर्वत वाला क्वेश्चन चल रहा, तो हम सब समेट के एक साथ ला दिए हैं। देखिए, जुको तोबाई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को, 16 मई 1900 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये पहली बार है ना। उसके बाद बिछेंद्री पाल, तब संतोष यादव। समझ में आया? 2 बार। वो भारत के थी, ये विश्व में थी। घूमे का मन किया, घूम लिए, गए थे दार्जिलिंग तो देखा नहीं था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन? संतोष यादव। बिल्कुल सही है, संतोष यादव सही है यहाँ पर, है ना। क्लियर है? चलिए, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, जो भारत की थी, है ना। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पर्वत K2। कौन है? K2। K2 नहीं होगा तो, कंचनजंगा नहीं होगा तो, और उसके बाद एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे टॉप पर रहेगा, एवरेस्ट सबसे टॉप पर रहेगा, ऊपर रहेगा। नेक्स्ट, ये पॉइंट लिखा गया पर कि कहाँ? ये लद्दाख में है। कहाँ पर? ये
एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है आपका कि K2 आपका लद्दाख के पास है, ठीक है। इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा कौन होगा? यदि कंचनजंगा नहीं रहता तो K2 आंसर बनता ऊपर सबसे, तो यहाँ पर कंचनजंगा बनेगा क्योंकि K2 के बाद कंचनजंगा, तब मकालू आएगा, समझ, नंदा देवी, उसके बाद मकालू। ये पॉइंट लिखा गया, देख लो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितना? 8800। कैल्विन ऑस्टिन की ऊंचाई 8600। नेपाल भारत में कंचनजंगा 8500 तीसरे स्थान पर, भारत में फिर मकालू आ जाएगा 8400 नेपाल, है ना? चलिए सही है ना। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रहेगा ना? अब क्वेश्चन मार्क देगा, सब ठीक ठाक। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है, उधर से चलता है नमचा बगवा कोना से अरुणाचल प्रदेश से, ना असमो नहीं होगा, नमचा बगवा से शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश से, है ना। इधर आके चल जाएगा नंदा देवी, गिर जाएगा मकालू के बाद आता है नंदा देवी, नंदा देवी गिर जाएगा गढ़वाल का हिस्सा है उत्तराखंड में, है ना। गढ़वाल हिमालय का भाग है, नंदा देवी किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय, समझ गए, उत्तराखंड। नंदा देवी देखिए लिखा हुआ सब कुछ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए, आप सही क्रम बताइए। ऑप्शन सी, चलिए देखते हैं हम। ऑप्शन सी के मतलब हो गया कि पहले आप माउंट एवरेस्ट को रख रहे हैं, उसके बाद गैडविन ऑस्टिन को रख रहे हैं, तब कंचनजंगा को। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, ये सारा पॉइंट है इसका, जरूरत होगा तो नोट कर लेंगे, अपना स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? और गुरु शिखर किसका सर्वोच्च ऊंचा चोटी है? अरावली का है। किसका है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर तो है ही नहीं है, कुंभलगढ़ सही है। अगर अगर गुरु शिखर नहीं है तो उससे थोड़ा सा नीचे है कुंभलगढ़। कौन है? कुंभलगढ़ महाराजा नहीं होगा कोई कथा कहानी में, कुंभलगढ़ की राजा, है ना। चलो ये पॉइंट लिखा है, गुरु शिखर से नीचे कुंभलगढ़ की लंबाई ऊंचाई 1200 कितना है, और गुरु शिखर 1722। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम, पूर्व से मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर आ जाओ इधर जम्मू कश्मीर के तरफ लेके भगवा गए? ऑप्शन डी, नमचा बगवा से लेकर आओ, नमचा बगवा से लेकर आओ, आगे बढ़ोगे तो कुछ दूर के बाद कंचनजंगा सिक्किम में, और तब आ जाओगे नेपाल, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, आ इधर बीच में आ जाओ उत्तराखंड में नंदा देवी, समझ गए, बढ़िया है। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट सब लिखा गया, देख लीजिए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए गोसाईनाथ, बिल्कुल सही है, ये चीन और तिब्बत के पास है, नेपाल के पास। नंदा देवी भारत का, कामेत भारत का, उत्तराखंड त्रिशूल भारत का, लेकिन गोसाईनाथ नहीं है, है ना। लिखा गया नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पूछ देगा कि गोसाईनाथ कौन सी देश की है, तो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर, ठीक है। आइए, अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित तो नहीं है? तो माउंट आबू अरावली पहाड़ी तो बिल्कुल सही है जी, उटकमनम नीलगिरी पहाड़ी बिल्कुल सही है, शिमला पीक पंजाल सही है, कोडाई कनाल अन्नामुडी पहाड़ी ये गलत है, मतलब ये आंसर सही होगा, समझ गए, कौन सुमेलित नहीं है तो ये सही है। नेक्स्ट, ये पॉइंट लिखा गया है, जरूरत होगा तो स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान क्या कहलाता है? बिल्कुल नीलगिरी गलत जवाब है, नीलगिरी गलत है। महाराष्ट्र और
अब सह्याद्री बिल्कुल सही जवाब आपका है, इसका आंसर सह्याद्री सही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जब पश्चिमी घाट पर मिलते हैं तो उसको कहा जाता क्या, सह्याद्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सह्याद्री कहा जाएगा, याद रहेगा ना। चलिए ये पॉइंट लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है, भारत में नहीं है, आराम से मार सकते हो कि ऐसा उटपटांग नाम भारत में कहीं नहीं देखने को मिला है ना। तो गुगला मंधाता, ये तो है, ये भी है, नंगा पर्वत आसान तो है, आराम से भगा जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, ये सारा पॉइंट लिखा गया। पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। एंडीज पर्वत, बिल्कुल गलत, युगाल, युगाल, युगाल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है युगाल पर्वत। चलिए देखिए लिखा है, युगाल पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं, कौन पर्वत करता है। अच्छा क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप अलग होते हैं कौन से पर्वत से, युगाल पर्वत से अलग होते हैं। अल्पस पर्वत फ्रांस और इटली के बीच प्राकृतिक सीमा है, अल्पस पर्वत किसके बीच में सीमा निर्धारित करता है, फ्रांस और इटली के बीच में। अच्छा पॉइंट है, नोट करके रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी अमेरिका देश है ना, हिमालय, तिब्बत के पठार और भारतीय उपमहाद्वीप का मैदान है ना। चलिए काकेश पर्वत एशिया और यूरोप, काकेश पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में जो पर्वत एक है उसका नाम क्या है, काकेश पर्वत। और एशिया यूरोप और एशिया अलग होते हैं कौन सा पर्वत से, युगाल पर्वत से। आंसर इसका क्या बनेगा, युगाल पर्वत। तो समझ गए, चलिए आइए, ये वाला था ना, इसका आंसर अलग होगा। इसका बात है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है, नया नया, आप तो हिमालय पढ़े हैं खाली, शिवालिक के बारे में जानते हैं, शिवालिक इसमें है नहीं, दिमाग लगाइए। देखिए युगाल पर्वत बहुत पुराना है, अरावली भी बहुत पुराना है, अल्पस नया नया है ना, विश्व में अल्पस पर्वत नया श्रृंखला है, नवीन है ना। आंसर बनेगा अल्पस, इसका पॉइंट देखो, अल्पस पर्वत श्रृंखला तब बनते हैं जब पृथ्वी की दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, हम सब दिखाना क्या चाहते हैं ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको देखिए, पहले अरावली पर्वत, उसके बाद है ना अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके बाद युगाल पर्वत श्रृंखला, और इससे पहले देखिएगा प्राचीन पर्वत है ना, तो पहले ये वाला पर्वत बना, फिर अगावली, तब आया युगाल, नवीन में बना है आपका अल्पस, ठीक है, सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो भारत का केटू होगा, केटू तो है नहीं, उसके बाद नमचा, उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा है नहीं, तो नंदा देवी पर जाएंगे, नंदा देवी नहीं है तो मकालू पर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बनेगा नंदा देवी। नेक्स्ट, ये सारा पॉइंट लिखा गया है, हिमालय, हिमालय सॉरी हिमाचल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है हिमालय को, है ना, हिमाचल में हिमालय, हिमाचल, हिमालय पर्वत एक श्रेणी है। अब हिमाचल की बात करें तो नवीन, जिसको कहा जाता लघु हिमालय, लघु हिमालय कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, लघु हिमालय, शिवालिक के पास है ना। चलिए खासी पहाड़ी के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतम 12,000 mm वर्षा होती है, मसीनाराम, मसीनाराम बिल्कुल सही जवाब है आपका। सारा पॉइंट लिखा, देखिए पहले मसीनाराम, उसके बाद चेरापूंजी, तब अंगुम्बे, तब महाबलेश्वर, तब पासीघाट, अम्बोली, फिर गंगटोक, है ना। नंबर एक ये है, इसके बाद नहीं देगा तो चेगा पूंजी ऑप्शन में रहेगा, समझ गए, यही नहीं रहेगा तो कुछ थोड़ा सा, अभी दोनों फेमस हो गया है तो हो सकता है कि नया में इसको डाल दे अंगुम्बे, ठीक है, नया में डाल दे, समझ गए ना। पोटली दून और पतली दून भारत
किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, पोटली दून और पतली दून, है ना, नोट्स में दिए हैं सभी सब हम, देख लीजिए, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक बिल्कुल सही जवाब है ना, इसका सारा पॉइंट लिखा गया, क्लियर हो गया। तो आज 29 ही क्वेश्चन हुआ, इसी तरह से पर्वत एवं पठार से कल क्वेश्चन फिर रहेगा 30 क्वेश्चन। अगला होमवर्क आपको दे रहे हैं, याद करके आइएगा, घाटिया एवं दगे, इसका दो सेट बनाएंगे 60 क्वेश्चन का, उसके बाद कोनो एग्जाम में बैठिए, क्लियर, समझ गए। तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लाइव क्लास में कल 11:30 बजे।